नमस्ते, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सुष्मिता फ्रॉम फियोना एकेडमी आज आपके सामने और एक वीडियो और एक नया इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। बेसिकली हम ऐसे पांच रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमें ना जानते हुए भी हम हमारे डेली रूटीन में उसको कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आते हैं जो कि इस सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन होते हैं वो है हनी। हनी को यूजुअली बहुत अच्छा एक फूड माना जाते हैं उसके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से। इसके साथ साथ हनी में कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होते हैं और वो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करती हैं। लेकिन एंशियंट आयुर्वेदिक लिटरेचर में ऐसा कहा गया है कि जब हम हनी को कोई भी गर्म चीजों के साथ मिक्स करते हैं तो हनी में जो बेनिफिटेड जो एंजाइम्स रहते हैं और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हनी का मेजर प्रॉपर्टी होते हैं इसके हीटिंग प्रॉपर्टी। और इसीलिए हनी को जब हम और भी कुछ दूसरे गर्म चीजों के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन बन जाती है। तो जो लोग शहद को गर्म पानी के साथ लेते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर जो लोग हनी को अपनी कुकिंग में यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में ग्लू के जैसा एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन रिलीज करने के लिए जो भी चैनल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, उन सारे चैनल्स को ये ब्लॉक कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हनी हम जिस वजह से लेते हैं हमारे सर्दी जुकाम खांसी को प्रिवेंट करने के लिए, अल्टीमेटली इसका काम वैसा नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि शहद हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग शहद को अपने वेट लॉस में भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान पे रखिए कि शहद में बहुत ज्यादा कैलोरी होते हैं और उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा है, तो इसीलिए अगर आप उसको आपकी लाइफस्टाइल पे ऐड कर रहे हो तो ध्यान पे रखिए कि उसके साथ साथ आपके पूरे दिन में कैलोरी कंटेंट कितना है वो आपको जरूर कंसीडर करना है। इसके साथ साथ जब हम हनी को इंक्लूड करते हैं तो सबसे अच्छा जो मेथड होते हैं हनी के लिए वो है सीधा हम बॉटल से उसको खा सकते हैं, एक चम्मच के साथ साथ हम सीधा बॉटल से ही उसको खा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं होते हैं तो हम इसको प्लेन वाटर के साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रूटीन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे क्या क्या रॉन्ग फूड चॉइसेस हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं और उसकी वजह से हमारा हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। थैंक यू।